हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के बतौर भी काम कर रहा हूँ इंडस हॉस्पिटल्स में। मैंने डीएम एडिक्शन साइकियाट्री किया है एम्स दिल्ली से, और मैं ज़्यादातर पेशेंट्स एडिक्शन पे ही फोकस करता हूँ। एडिक्शन वर्ड से मेरा मतलब है कि इसमें हम ज़्यादातर उन पेशेंट्स की बात करते हैं जो कि शराब, स्मैक, चिट्टा, हुक्की, अफीम, कैनबिस जैसे कि गांजा और नींद वाली गोलियां, बेंजोडाइजेपिन्स, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, इन सब नशों की बात करते हैं। इसके साथ साथ हम बिहेवियरल एडिक्शंस की भी बात करते हैं। आजकल हम बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन या गेमिंग डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर्स भी आजकल बहुत आम होते जा रहे हैं, घर घर में हमें देखने को मिलते हैं, और पेशेंट्स भी हमारे पास इस चीज़ के काफ़ी आ रहे हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास एक काफ़ी रिकवरी ओरिएंटेड मॉडल पे हम लोग काम करते हैं, और एक ट्रीटमेंट, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हमारे पास है, एंड वी फोकस ऑन बोथ मेडिसिन बेस्ड ट्रीटमेंट एज वेल एज काउंसलिंग और थेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट। थेरेपी में हम फोकस करते हैं मोटिवेशन एनहैंसमेंट थेरेपी पे, जिसमें कि पेशेंट जिनकी इच्छा कम होती है नशा छोड़ने की शुरू में, तो उनको भी हम मदद देते हैं, और ताकि धीरे धीरे वो नशे के इलाज को भी समझ सकें और रिकवरी के पाथ पे जुड़ सकें। दूसरी चीज़ होती है रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी, जिस पर हम फोकस करते हैं। उसमें हम एक बार तो इंसान नशा छोड़ देता है, पर उसके बाद वो फिर से नशे की तरफ आकर्षित होने के चांसेस होते हैं, उसको कम करने के लिए हम इस थेरेपी पे फोकस करते हैं, जिससे कि रिलैप्स के चांसेस डिक्रीज हो सकते हैं। इसके बाद आजकल हम न्यू ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ पे भी बहुत फोकस है हमारा, जैसे कि आरटीएमएस अभी हमने माय हॉस्पिटल में शुरू किया है, जो कि एक रिलेटिवली मॉडर्न टेक्निक है। उसका प्रूवन बेनिफिट है डिप्रेशन और ओसीडी जैसी बीमारियों में, और रेजिस्टेंट केसेस में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल बताया गया है। इसके बाद हम इसमें जो होता है मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और कोई एनेस्थीजिया या बेहोशी की दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड थिंग वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इज नैलट्रेक्सोन इम्प्लांट्स, जो कि हम ओपियोइड के एडिक्शन में हम यूज़ करते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि नशे वाले जो मरीज होते हैं, इनको सही इलाज या तो मिल नहीं पाता है या मिलने में बहुत देरी हो जाती है। इसके कारण मरीज़ की अपनी झिझक भी हो सकता है, या इलाज उसे पता नहीं है कि इस चीज़ का इलाज अवेलेबल भी है। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट रहती है लोगों से, दैट आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट लें, प्रोफेशनल्स जैसे कि एक एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट होता है उससे लें, ताकि पेशेंट की लाइफ में वो अपने बदलाव ला सकें, और एक फैमिली भी एक पूरा उसके इलाज में कंट्रीब्यूट करके उसे नशे की आदत से और बीमारी से बाहर निकाल सकें। थैंक यू।